नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के पंचदश पाठ का अध्ययन करेंगे। पंचदश पाठ मतलब पाठ 15, जिसका शीर्षक है भगीरथ। भगीरथ, भगीरथ। अब सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखेंगे। अस्माकं भारत देशे बहवय नद्य सन्ति। हमारे देश में बहुत सी नदियां हैं। तासु परम पावनी मुक्ति प्रदायनी गंगा नदी वर्तती। उनमें सबसे पवित्र मुक्ति प्रदान करने वाली गंगा नदी है। जना वदंती, लोग कहते हैं कि यत गंगे तव दर्शना मुक्ति इति। लोग कहते हैं कि हे गंगे, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। एषा गंगा पूर्वम भूलोके नासित। यह गंगा पहले पृथ्वी पर नहीं थी। सगरस्य वंशजेन भगीरथेन कठिन तपसा एषा भुवम अनीता आनीता। सगर के वंशज भगीरथ की कठिन तपस्या से यह पृथ्वी पर लाई गई। एषा कथम किमर्थम च भूलोके आनीता इति पाठ्यस्मिन् प्रस्तुयते। यह कैसे और किस लिए पृथ्वी पर लाई गई, यह इस पाठ में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब सबसे पहले हम पाठ का उच्चारण एवं अनुवाद समझेंगे। सूर्यवंशस्य राजा सगर आसीत। सूर्यवंश के राजा सगर थे। सूर्यवंश का राजा सगर था। सह एकदा अश्वमेध यागम कृतवान। उसने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। यागस्य अन्ते यागस्य अश्व यत्र तत्र संचारम कृतवान। यज्ञ के अंत में यज्ञ का घोड़ा जहां तहां घूमने लगा। अश्वमेधम कृत्वा सगर स्वयं इंद्र भविष्यति। अश्वमेध करके सगर स्वयं इंद्र हो जाएगा। इति देवेंद्रस्य असूया आसीत। इससे देवेंद्र इंद्र को ईर्ष्या हो गई। तस्मा स यागस्य विघ्नम कर्तुं मार्गम चिंतितवान। इसी कारण से उसने यज्ञ में विघ्न करने का रास्ता सोचा। तथा अश्वम गृहीत्वा पाताल लोके कपिल मुने पुरत स्थापितवान। उसके बाद इंद्र ने घोड़े को लेकर पाताल लोक में कपिल मुनि के सामने खड़ा कर दिया। तदा मुनि तप कुर्वन ध्याने आसित। उस समय मुनि तपस्या करते हुए ध्यान में थे। अतः सह किमपि न ज्ञातवान, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं जाना। सगरस्य षष्ठी सहस्त्र पुत्रा अश्वमेध अन्वेष्टम सर्वत्र गतवंता। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजने के लिए सब जगह गए। अंते ते पातालम गतवंता, अंत में वे पाताल गए। तत्र मुने पुरतः ते अश्वम दृष्टवंता, वहां मुनि के सामने उन्होंने घोड़े को देखा। मुनि एव चोर इति चिंतित्वा ते तम निंदितवंता। मुनि ही चोर है, ऐसा सोचकर उन्होंने उस मुनि की निंदा की। कुपित मुनि तान सगर पुत्रान क्रोधा अग्नि दग्धवान। कुपित मुनि ने उन सगर के पुत्रों को क्रोध की अग्नि से जला दिया। ते भस्म रूपेण तत्र पाताल लोके स्थितवंता, वे भस्म रूप में वहां पाताल लोक में स्थित हो गए। तेषां सद्गति न अभवत, उनकी आत्मा सद्गति यानी मुक्ति नहीं हुई। एतेषां मुक्तिः कथं भवेत, इनकी मुक्ति कैसे हो। पूर्वजनां मुक्तिः वंशज प्रयत्नेन एव संभाव्यते इति शास्त्रमतम्। पूर्वजों की मुक्ति वंशजों के प्रयत्नों से ही संभव होती है, ऐसा शास्त्र का मत है। सगरस्य वंशे भारतस्य जन्म अभवत,
सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ। सहा स्वपूर्वजा स्वर्गम नेतुम निश्चितवान, उसके उसने अपने पूर्वजों को स्वर्ग ले जाने का निश्चय किया। यदा गंगाया जलम भस्म प्रयच्छति तदा सह तदा एव सगर पुत्राणाम पापस्य नाशम अपि भविष्यति। जब गंगा का जल भस्म को स्पर्श करेगा तब ही सगर के पुत्रों के पाप का नाश भी हो जाएगा। इति भगीरथस्य निश्चय, ऐसा भगीरथ का निश्चय था। तस्मिन काले भूलोके गंगा न आसीत, उस समय पृथ्वी पर गंगा नहीं थी। आकाश मार्गे तस्य प्रवाह सोडुम भूमि शक्ता न आसीत, आकाश के रास्ते में उसके बहाव को सहने के लिए भूमि सक्षम नहीं थी। ताम प्रथमतः ग्रहितुम परमेश्वरः एव सक्ता आसीत, उस गंगा को सबसे पहले लेने में परमेश्वर ही सक्षम थे। तस्मात् ईश्वर ध्यात्वा भागीरथ तपः कृतवान, इस कारण ईश्वर का ध्यान करके भागीरथ ने तपस्या की। सहस्त्र वर्षांतरम एव ईश्वरा आकाश गंगा स्वजटासु ग्रहितुम अंगीकार दत्तवान, हजारों वर्षों के बाद ही ईश्वर ने आकाश गंगा की अपनी जटाओं में लेने के लिए स्वीकृत प्रदान की। एवं सा नदी ईश्वरस्य जटासु प्रथम पतितवती, इस प्रकार वह नदी ईश्वर की जटाओं में सबसे पहले गिरी। आकाश गंगा तदा गर्विता आसीन, आकाश की गंगा नदी उस समय घमंड से युक्त थी। कथम एषा ईश्वरः माम धारयितुं शक्तः, कैसे यह ईश्वर मुझे धारण करने में सक्षम होंगे। इति चिंतितवती सा, ऐसा उसने सोचा। नद्या गर्वम ज्ञात्वा शिवः ताम जटासु एव निक्षिप्तवान, नदी के गर्व को जानकर शिव ने उसे जटाओं में ही छिपा लिया। अतः नद्या एकम जल बिंदुः अपि बहिः भूमो न पतितः, इसलिए नदी की एक पानी की बूंद भी बाहर भूमि पर नहीं गिरी। भगीरथ दुखिता अभवत, भगीरथ दुखी हुआ। सह पुनः तप कृतवान, उसने फिर से तपस्या की। शिव तस्य पुरतः प्रत्यक्ष अभवत, शिव उसके सामने प्रकट हुए। हे ईश, हे भगवान, नदी भूमो विसर्जयतु इति भगीरथ प्रार्थितवान, नदी को भूमि पर भेजो, ऐसी भगीरथ ने प्रार्थना की। ताम प्रयत्ना प्रार्थनाम अंगीकृत्य शिव नद्या जलम भूमो विसृष्टवान, उस प्रार्थना को स्वीकार करके शिव ने नदी का जल भूमि पर भेज दिया। भगीरथ नदी भूमितः पातालम नीतवान, भागीरथ नदी को भूमि से पाताल ले गए। पाताले प्रवहंती गंगा सगर पुत्राणाम भस्मानी स्पृष्टवती, पाताल में बहती हुई गंगा ने सगर के पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया। सगर पुत्राः स्वर्गलोकम गतवंतः, सगर के पुत्र स्वर्गलोक चले गए। इत्यथम भगीरथस्य प्रयत्ना अपूर्वा, इस प्रकार भगीरथ के प्रयास अपूर्व हैं। सह गंगा भूमो आनीतवान, वह गंगा को भूमि पर लाए। अनेन कारणेन एव तस्या नद्य भगीरथ इति अन्य नाम अस्ति, इसी कारण से ही उस गंगा नदी का भगीरथी ऐसा दूसरा नाम भी है। प्रयत्ने विषय उक्तमच, प्रयास के विषय में कहा गया है कि प्रारब्धे न खलु विघ्न भये नीचे, प्रारब्धे विघ्न विहिता विरमहन्ति मध्या, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्तमाना, प्रारब्धे चोक्तम जना
न परित्यजन्ति। इस श्लोक का अर्थ देखिए, अर्थात नीच व्यक्ति विघ्न के भय से किसी काम को प्रारंभ नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग प्रारंभ करके भी विघ्न से विचलित होकर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, किंतु श्रेष्ठ गुण वाले व्यक्ति कार्य को प्रारंभ कर देने पर बार बार विघ्न आने पर भी काम को पूर्ण किए बिना बीच में नहीं छोड़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।